अस्सलाम वालेकुम सर भी सवाल था कि इंडियन नेवी में जो है सिलेक्शन होते हैं, जॉब्स रहते हैं ऑफिसर्स के या सेलर्स के, तो उसके अंदर सिलेक्शन जब होता है तो 22 वीक्स का ट्रेनिंग होता है, तो उसके अंदर दाढ़ी का शेव कर लेना पड़ता है। उसके बाद फिर 1979 का एक्ट शायद से उसके हिसाब से सिख छोड़कर दूसरे मज़हब के भी अगर लोग हैं तो वो लोग ट्रेनिंग होने बाद दाढ़ी रख सकते हैं, तो इसमें दाढ़ी काटना सही रहेगा? और ये अल्लाह के लिए दाढ़ी रखी गई तो फिर इसके अंदर दाढ़ी काट सकते हैं या नहीं ट्रेनिंग के हद तक? भाई ने सवाल किया कि कुछ की मिलिट्री नेवी की जो है ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर कुछ वीक्स का जो है उनका जो है ट्रेनिंग होती है तो उसमें दाढ़ी काटना पड़ती है, उसके बाद बहरहाल रखी जा सकती है। देखिए बहरहाल ये एक बहुत अफसोस की बात है और वो सिख एक्सेप्शनल है ना ट्रेनिंग में ना उसके बाद, तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले खुजात थी, या तो ब्रिटिश कोर्ट्स थे या तो खुजात थी। खुजात आज भी आपको पुराने केस जाएंगे तो वो बोलेंगे खुजात मतलब खाजी जिस पर अपॉइंट होता था। मुग़ल जहाँ जहाँ टेरिटरी और मुस्लिम टेरिटरीज थी खुजात वहाँ लागू थी, और जहाँ जहाँ ब्रिटिश रूल समझो आया तो उन्होंने अपना ब्रिटिश जो है खवानीन जो है लागू करे। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर से खुजात को छोड़ दिया, हालांकि खुजात जो सिस्टम था वो तकरीबन 900 साल से इंडिया में लागू था, लेकिन पता नहीं ब्रिटिशर्स जिसने ग़ुलाम बनाया उनका कानून इंडियन गवर्नमेंट को पसंद आया उस ज़माने की। ब्रिटिशर्स जिसने हमें ग़ुलाम बनाया उन्हीं का कानून इनको पसंद, जबकि खुजात बहुत स्ट्रांग थी पूरे इंडिया में 900 साल से चालू थी। क्यों? तो मुसलमानों की थी बोल के 100% उसको बायकॉट कर दिया गया नए उसमें, ठीक, और उसके बिलमुकाबिल जो है ब्रिटिशर्स लॉ को ले लिया गया कुछ तरमीम के साथ, डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर उसमें उनको मौका दिया गया, और उनको भी एक फ्रेम के अंदर मौका दिया गया, फुल हैंड नहीं दिया कि जो चाहे करो, एक फ्रेम के अंदर दिया जिसमें वो कुछ तब्दीलियाँ ला सके, कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ बहरहाल हमारा कानून जो बन गया। तब एक छूट ये दी गई थी कि पर्सनल लॉ के लिए छूट दी गई थी कि अपने अपने कवानीन कुछ आप बता दें क्या क्या करना है, जिसमें सिखों ने ये कानून डाल दिया उस ज़माने में कि जो उनका मजहबी चीज़ है, जो कि सिख जब वो जो है खालसा बनता है वो सिंह लगाता है नाम के आगे, तो वो खालसा, खालसा क्या होता है कि सिख बच्चा जब एक ज़माने में एक बड़ा होता है, एक उम्र को पहुंचता है, एक रस्म होती है, 4-1 साल का होता है, रस्म होती है, उस रस्म में उसको खालसा बनाया जाता है, सिंह लगाया जाता है नाम के आगे। खालसा क्या होता है? मुसलमानों के ख़िलाफ़, मतलब औरंगज़ेब ने जो इनका कहना है कि 10वें गुरु को जो कत्ल किया था, 10वें गुरु का रिवेंज लेने के लिए एक टीम बनी थी सिखों के अंदर, जो कि एक तरह से रिलीजियस लोग थे जो आम अपने हाथ में उठा लिए, उनको बोलते खालसा, ठीक, तो उन्होंने वो अम्यूनेशन लिया था। और एक सिख जब सिंह बनता है, खालसा होता है, तो उसको 5 चीज़ों पर अमल करना पड़ता है। 5 चीज़ें क्या है उसमें? सबसे पहले केश, बाल कभी नहीं काटेंगे, कड़ा, वो एक हाथ में स्पेशल कड़ा होता है, कच्छा, एक स्पेशल चड्डी होती जो अंदर पहनते हैं, और कंघा, ठीक, वो हमेशा चूँकि बाल बड़े रहेंगे तो उसको जमाना रहता, ठीक, और कृपान, एक ड्रैगर, एक हथियार जो है उसको, या तो तलवार की शक्ल में या छोटा सा खंजर रहेगा, 5K बोलते हैं इसको। ये 5 चीज़ें उनके मजहब थे। तो सिखों ने क्या किया, अपने पर्सनल लॉ में डाल दिया, तो सिखों को तमाम जगह इजाजत है सिवा एयरपोर्ट छोड़कर, सब एयरपोर्ट में होंगे तो फिर उनके सामान में चला जाएगा, वो भी कर सकते सामान में, लेकिन साथ नहीं लेके चढ़ेंगे फ्लाइट में, बस इतना है। तो वो लोगों ने देखिए अपना सब मंजूर करवा लिया, हत्ता के जो है अपना जो केश बाल नहीं काट सकते, सर के बाल हो गए, दाढ़ी के बाल हो गए, कुछ भी नहीं काट सकते ना, तो देखिए हो गया। हमको क्या मौका नहीं मिला था कि हमने तो पूरा पर्सनल लॉ बनाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, लेकिन एक अफसोस की बात है मुस्लिम पर्सनल लॉ भी सुन्नियों ने बनाया। सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी का आवाज़ उठाई तो वो इस्माइली था, भोरा इस्माइली जो कम्युनिटी थी खोजा, बहुत छोटी कम्युनिटी, उन्होंने आवाज़ उठाई, फिर वो पर्सनल लॉ बना, फिर शिया हुआ, फिर सुन्नी हुआ, फिर इस्माइलिया हुआ, और कितने पर्सनल लॉ हो गए उसके बाद। तब हमने कुछ भी नहीं लिखाया गवर्नमेंट को कि क्या करना है, कैसे करना है, मोहम्मद अल्लाह फॉर्म हुआ, हमने कुछ नहीं बताया कि हम जब नहीं डाल सकते थे ये मसला कि एक सिख जैसा दाढ़ी रखेंगे हर हाल में, एक मुसलमान भी, हत्ता कि अगर वो नेवी के एयरफोर्स में भी जाते हैं तो वो अपनी पगड़ी वो करते हैं, अगर हाइटेड हो तो उसका और ऊंचा होता है, एडजस्ट करते हैं उसको, बालों को फ्लैट करते हैं कुछ, लेकिन काटते नहीं है, देखिए उनका पगड़ी बराबर बंधी हुई, हालांकि हेलमेट पहनना पड़ता है, सब कुछ एडजस्ट कर रहे हो, उन्होंने किया। हम लोगों को क्या शर्माई पता नहीं उस ज़माने में, या क्यों नहीं किया, या सोच भी नहीं थी कि दीन का कुछ डालना चाहिए, लगा कि इंडियन गवर्नमेंट शायद पूरी छूट देने वाली हमको, और सब वो कर लिया, और आज बहुत सारी जगह पछताते हैं। आपने एक नेवी का कहा, मिलिट्री में लोग पछता रहे हैं, पुलिस में लोग पछताते हैं, मार्केटिंग के लोग भी पछता रहे हैं आजकल, मार्केटिंग में आदमी बोलता भाई तुमको हम ऊपर रेंज में क्यों, आप दाढ़ी है नहीं हो सकता, सिख को कैसा लेते, बड़े बड़े मार्केटिंग पोस्ट पर सिख, बड़े बड़े पुलिस ऑफिशियल पोस्ट पर सिख लोग हैं। अगर आप आईजीज निकाले इंडिया के तो मैं समझता हूँ 25 से 30 सिख है आईजीज,
और बड़े बड़े दाढ़ियाँ रखे, बेहतरीन पगड़ियाँ बांधे हुए, आईजी पोजीशन मतलब हाई रैंकिंग मिलिट्री के अंदर सिख लोग जो बहुत हाई रैंकिंग पोजीशंस में होते हैं, सब बिल्कुल एकदम फख्र के साथ किए हुए, तो हमको क्यों शर्मा है, मैं समझ नहीं पाया उस जमाने। तो ये कहीं ना कहीं उम्मत की कोताही थी। अब इस कोताही का हल क्या है? हल ये है कि मुसलमान मिन जुमला होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में तरमीम की गुजारिश करे गवर्नमेंट से, और ये तरमीम डाले कि जिस कानून के तहत उन्हें ये दिया जाता है सिख पर्सनल लॉ के तहत, हमें भी इसका प्रोविजन दिया जाए, लेकिन उम्मत में ये इख्तिलाफ है, दायर रखना है या नहीं है। मसला ये भी है ना, सिखों के पास मुन जुमला इत्तेफाक है कि दाढ़ी पार्ट ऑफ रिलीजन है, वो खालसा बनेगा सिंह बनेगा तो उसको रखना ही है, बाल नहीं काटेंगे तो दाढ़ी भी नहीं काटेंगे। अब मसला ये, समझ रहा बात, और सिखों ने इस हद तक बुरा माना कि वो हल्की हल्की दाढ़ी का, वो कुछ लोग सिख देखिए सर के बाल तो नहीं काटते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल छोटे करते हैं, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स आप देखिए वो है, कम्युनिटी बहुत बुरा मानती है उनको, मालूम को खुश नहीं होते उनको देखकर, बिल्कुल बोलेंगे आखिर, बिल्कुल बोलेंगे आखिर। एक हीरो था, उसने एक पिक्चर बना दी, उस पिक्चर के अंदर उसने सिंह अपने आप को बताया जिसमें पगड़ी तो बांधी लेकिन दाढ़ी छोटी थी, कितना ऑब्जेक्शन लिया गया उस पिक्चर के ऊपर लोगों ने, कहा नहीं इसलिए कि हमारे मजहब में ऐसा नहीं हो सकता कोई सिंह, उसके लिए दाढ़ी पूरी होना ज़रूरी। तो आप देखिए मतलब उनके नज़दीक कोई करता है तो ठीक है लेकिन ऑब्जेक्शनेबल है, हमारे नज़दीक तो कम नहीं, बल्कि आप बहुत सी बड़ी बड़ी मुशावरतों को देखिए जो शुराएँ होती वो है उसमें आपको मिल जाएंगे एकदम बेहतरीन, बिल्कुल सटासट बैठे हुए नेशनल लेवल की शुरा, आलमी लेवल की शुरा में भी सटासट बैठे हुए बिल्कुल साफ कर। तो ये मसला हमारे पास है, तो लिहाजा अब चूंकि मिन जुमला उम्मत ने काम नहीं किया, अब ये हो रहा है। आपका सवाल है क्या ऐसी जॉब करना चाहिए या क्या मैं इसमें जाऊँ या क्या उसकी क्यों, मैं ये कहूँगा कि हम जिस कानून के तहत जीते हैं इस कानून में हर बार एक रास्ता होता ही है कहीं ना कहीं से, उन रास्तों को जहाँ अपने मफाद के लिए निकालते हैं वहाँ दीन के लिए भी इस्तेमाल किया जाए, समझ रहे बात को, हर जगह समझ रहे ना, कहीं ना कहीं रास्ते निकल ही जाते हैं, उन रास्तों को अपनाना पड़ेगा आपको, और बहुत आसानी से होते हैं। मैं बहुत सारी जगह सफ़र करता हूँ, बहुत सारी मुश्किलें नमाज किसकी आती है, रास्ते हर जगह है, ठीक है, कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट पेपर्स आप दीजिए तो आपके काम हो जाते हैं, ठीक, तो उन रास्तों को अपनाए दीन के लिए, अब क्या करें आप मजबूर हैं, उन रास्तों को अपनाए आप दीन के लिए, आप चूँकि मजबूर हैं, ठीक, आप इस चीज़ को समझिए। मैं एक जगह एक मुकाम पर गया और बहुत रश था, नमाज के लिए बड़ा मुश्किल हो रही थी, तो वहाँ एक साफ़ सफाई करने वाला आदमी था, ठीक, और सारे लोग परेशान जगह के लिए, मैंने उसको बुलाया बाथरूम में, मैं था मुँह धो रहा था, मैंने उसको बुलाया, मैं इधर आऊँ यहाँ कोई खाली जगह मिलेंगी क्या, तो अब वो समझ गया चेहरा वगैरह देखकर, तो वो सोचने लगा, तो मैंने कहा ज़्यादा मत सोचो, उसको निकाल के जो 100 रुपये हाथ में दे दिया, कहाँ मिलेंगे, तो बोले चलो मेरे पीछे, बोले नहीं मेरे को आवाज़ नहीं देना, बोले बस बराबर वो उतने पब्लिक में से ले जाकर मुझे एक साफ़ सुथरे अच्छे जगह ले जाकर खड़ा कर दिया, कहा आप यहाँ नमाज़ पढ़ लीजिए, समझ रहे हो, मतलब एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर भी एक जगह थी जो कि दूसरे कागजात के जरिए। अब मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हलाल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह एक दूसरा रास्ता होता है, हम जिस कानून में जीते हैं तो इन फ़ायदों को हम दूसरे दिल से उठाते हैं, जैसा मुझे लाइसेंस नहीं दे रहा RTO तो मैं फ़ायदा उठा ले रहा हूँ ये देखकर, मेरा हलाल माल है लेकिन वो ऑफिसर देता नहीं है तो मैं वहाँ कर रहा हूँ, तो मैं मजबूर हूँ अपने दीन पर भी कोई कर ये सब चीज़ें। अब मुझे उसने एक बार ले गया, मुझे पता चल गया, मैं जब भी सफ़र वहाँ जाता हूँ मुझे पता है वो जगह, मैं चला जाता हूँ, नमाज वमाज मेरी आराम से हो जाती, फिर मैं अपने काम में, समझ रहे आप, तो एक अब रास्ते निकालिए, आपको लगता है ट्रेनिंग है आपके ऊपर, जो आपके टीचर्स है आपके ट्रेनर्स है उनको खुश करने का आपको तरीका आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ ना कुछ कीजिए, ताकि चूँकि ट्रेनिंग के हद तक है ना, बाद में आप परमिशन ले लीजिए कि भाई इसमें बर्दाश्त कर लो और इसके बाद ये, लेकिन ये तो नहीं कहा जाएगा कि नहीं आप दाढ़ी साफ़ कर लो और ये कर लो, सिवाय इसके कि कंडीशंस हो सकते हैं, सर्टन हालात हो सकते हैं, मैं मतलब बिल्कुल डिनाइल नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ का, वहाँ आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, एक बड़े खैर के लिए एक छोटा ये नुकसान भी उठाया जा सकता है। जैसे उसका एग्जांपल, अगर कोई आदमी अल्लाह ना करे बीमार हो जाए और चेहरे का ही कोई ऑपरेशन हो, कोई चारा ना हो, तो फिर दाढ़ी निकालना पड़ती है, एक बड़े खैर के लिए फिर ये किया जा रहा है ना, तो लिहाजा ऐसा हो सकता है कुछ फील्ड्स ऐसे हो जहाँ चारा ही ना हो और शर इतना बड़ा उम्मत को पहुँच रहा हो कि खैर पहुँचाने के लिए आपको करना पड़े, तो ये सिचुएशन और सिनारियो शख्सियत और हालात पर डिपेंड है, ये एक हतमी इसमें नहीं हाँ और ना का फैसला नहीं होगा, डिपेंड है, तो फिर हम कह सकते हैं एक बहुत बड़े लेवल पर कि हाँ अगर बहुत बड़ा खैर छूट रहा है जिससे फ़ायदा हो सकता है चंद दिन के नुकसान उठाने के बाद, तो इजाज़त है ना, तो अगर क्या वो कर ले और इसका खैर इतना है कि इससे इतने इतने हज़ारों लाख मुसलमानों को फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट्स उठा सकते हैं, तो यस फिर मैं बोलूँगा फिर समझ लेना फिर वो रास्ता निकाला जाता है, लेकिन आम हालत में मैं तो ये कहूँगा कि अपील की जाए गवर्नमेंट से और जो भी हो सकता है रूल निकाल के किया जाए, लेकिन अब चूंकि नहीं है और अगर आप बहुत कसीर खैर पाते हैं, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ दाढ़ी काटना जायज़ है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं ख्याल नहीं हूँ,
لیکن امت کو کثیر خیر اگر آپ لا سکتے ہیں ایک چھوٹے سے عمل سے جس کے بعد آپ کو اجازت ہے, تو سچویشن اور سیناریو کی بنیاد پر کچھ کام کیے جاتے ہیں. جیسا بہت سی بار ہم بولتے ہیں نا, میں نے جیسا کہ پکچر دیکھ کر انالیسس نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ بہت سی بار ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ارے فلسطین کی حالت اتنی برا ہے, لیکن فلسطینیوں کو دیکھو ہاں داڑھی نہیں رکھتے, اکثر کو داڑھی نہیں رہتی. لیکن اگر کبھی آپ فلسطین جیسے ماحول میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی کیا حالات ہے اور وہ کیوں ایسا ہے. خالی ایسا پکچر دیکھ کے ارے اللہ کا غضب تو آنے والا ہے ان پر, داڑھی نہیں رکھتے. کبھی جا کر ان حالات میں آپ دیکھیے تو جہاں آپ کو ایک کلو میٹر سفر کرنے کے لیے 10 جگہ روکا جاتا ہے, داڑھی ہونے کی بنیاد پر روز ننگا کیا جاتا ہے. تو برہنا ہونے کے مقابلے میں وہ سمجھتا ہے اگر کپڑے میں رہو تو زیادہ بہتر ہے, سمجھ رہے ہیں. اگر آپ داڑھی والے ہیں تو آپ کی حاملہ بیوی کو بھی نہیں آگے بڑھنے دیا جاتا ہے, یہیں بچہ پیدا کر لو آگے تو دواخانے نہیں جا سکتے, سمجھ رہے ہیں. تو سچویشن سیناریوز ہوتے ہیں. تو میں اس لیے کہا کہ حتمی کسی پکچر کو دیکھ کے ہم فیصلہ نہیں کرتا, ہاں ایسا تو ایسا ہے. سچویشن سیناریو پر ڈیپینڈ نہیں, حالات پر ڈیپینڈ نہیں کیا. تو اگر کثیر خیر ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں تو بہرحال دکھائیں گے اللہ والا, اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے.